हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सरफेस केमिस्ट्री से यानी कि पृष्ठ रसायन से आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आपका क्या है, आप देख रहे हैं पूरा प्रोग्रामिंग यहां से हमने बढ़िया से किया है, आज इसी को हम समझेंगे। तो पहला इसमें क्या देखते हैं हम, क्या है अधिशोषण समतापी एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। समतापी लिखा हुआ यानी कि समान ताप पर अगर अधिशोषण हो, एक स्थिर ताप पर एक समान ताप पर अधिशोषण हो, तो उसी को हम कहते हैं अधिशोषण समतापी कहते हैं। अब इसी पर अधिशोषण समतापी पर अधिशोष जो आपके अधिशोष जो गैस आपके होंगे और जो अधिशोषक आपके ठोस होते हैं, तो गैस का उस ठोस की सतह पर जाकर अधिशोषण एक समान ताप पर हो तब उसी को हम कहते हैं अधिशोषण समतापी। और इसके मध्य जो है एक गणितीय व्यंजक प्राप्त किया गया जिसे अधिशोषण समतापमापी कहा जाता है, समतापी कहते हैं। आइए देखते हैं अधिशोषण समतापी में स्थिर ताप पर किसी अधिशोषक की एक निश्चित मात्रा द्वारा, अधिशोषक की क्या होनी चाहिए, एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। तो स्थिर ताप पर किसी अधिशोषक की एक निश्चित मात्रा द्वारा अधिशोष्य पदार्थ की मात्रा, अधिशोष्य पदार्थ की मात्रा तथा साम्य दाब, साम्य दाब अथवा साम्य सांद्रण के मध्य एक गणितीय व्यंजक स्थापित किया गया जिसे अधिशोषण समतापी कहा जाता है। तो समय समय पर अधिशोषण समतापी की व्याख्या जो है करने के लिए अनेक जो है वैज्ञानिक आए और इसकी व्याख्या की, लेकिन उनमें से जो है आपका फ्रेंडलिक अधिशोषण तापमापी जो है आपके एनसीईआरटी बुक में इसकी व्याख्या है। तो आइए देखते हैं, अब हम देखते हैं फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। तो स्थिर ताप पर अधिशोषक की प्रति इकाई द्रव्यमान पर, स्थिर ताप पर अधिशोषक की प्रति इकाई द्रव्यमान पर अधिशोष गैस की मात्रा यवम साम्य दाब के मध्य, यवम साम्य दाब के मध्य फ्रेंडलिक ने एक जो है समीकरण की रचना की जिसे फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कहा जाता है। अब क्या वो समीकरण की रचना की, कौन सा वो गणितीय व्यंजक था समीकरण का, तो ये था x बाई यम परपोजनल पी पावर वन बाई यन, पी पावर वन बाई यन जो है ये समीकरण दिया। तो ये क्या है, यहां पर यम क्या है अधिशोषक की मात्रा है और ये यक्स क्या है अधिशोष की मात्रा है या द्रव्यमान है। तो जब परपोजनल चिन्ह आप हटा देंगे, समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे, तो यक्स बाई यम हो जाएगा इक्वल टू के इंटू पी पावर वन बाई यन, ये आपका पहला समीकरण हो गया। तो ये समीकरण दिया गया, एक्स क्या है यहाँ पर, यक्स अधिशोष गैस का द्रव्यमान या अधिशोषित गैस का द्रव्यमान, यम क्या है अधिशोषक का द्रव्यमान है, पी क्या है साम्य अवस्था में गैस का दाब है, साम्य अवस्था पर यानी कि साम्य पर गैस का क्या है दाब है, के और यन क्या है, के और यन यहाँ पर क्या है एक स्थिरांक है जिसे जिसका मान जो होता है ये अधिशोष की गैस की प्रकृति अधिशोषक की प्रकृति यौन ताप पर निर्भर करता है। तो समीकरण एक का अगर लघुगणक हम ले ले, इसका लॉगरिथम ले ले इस समीकरण का, तो हमें क्या मिल जाता है, तो इस समीकरण का आप लॉग ले यहाँ तो क्या हो जाएगा लॉग 10 एक्स बाई यम हो जाएगा, इस कंटू क्या हो जाएगा आपका लॉग जो है 10 के हो जाएगा और प्लस लॉग 10 पी हो जाएगा, लेकिन पी पावर के ऊपर क्या है यहाँ, तो जो पावर आपका ऊपर है यहाँ पर लगा होगा वो आगे आ जाता है। तो यहाँ क्या होगा, देखिए पहले पी के केस में लिखा गया 1/1, तो पी के पावर यहाँ पर है तो ये पावर वाला आगे आ जाएगा सामने आपके, तो लॉग 10 और ये पी हो जाएगा प्लस लॉग 10 के हो जाएगा, यहाँ से आपका दूसरा समीकरण ये मिल गया। अब देखिए एक्स बाई यम ये समीकरण है, तो इस समीकरण को आप जो है याद रखेंगे या तो फिर इस समीकरण को भी आप याद रख सकते हैं, तो दोनों समीकरण वही है, बस ये जो लॉग के केस में है ये लॉग के केस में नहीं है। तो एक्स बाई यम तथा पी के मध्य यानी कि दाब के मध्य ग्राफ खींचने पर खींचेंगे, तो स्थिर ताप पर आप ग्राफ खींचेंगे तो दाब जैसे जैसे आप देख रहे हैं जैसे जैसे क्या करें, अगर इस पॉइंट पर हम देखें तो अधिशोषण क्या है, इस इतने दाब पर अधिशोषण आपका इतना ही यहाँ पर है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो अधिशोषण जैसे दाब आपका क्या हो रहा है बढ़ रहा है,
वैसे अधिशोषण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे, दाब और बढ़ गया इधर, और यहाँ अधिशोषण की मात्रा क्या हो गई, और भी बढ़ गई। यानी कि दाब जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, वैसे जो यम है अधिशोषक, उस अधिशोषक की सतह पर अधिशोष यानी कि गैस यक्ष का जो है अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है उसकी सतह पर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आप चूंकि देख रहे होंगे ये वाला जो समीकरण है, ये जो आपका दूसरा समीकरण है y = mx + c, एक रेखीय समीकरण था, एक समीकरण आपको दिख रहा होगा, ये रेखीय समीकरण है। इस समीकरण के अनुरूप जो है ये समान इस समीकरण है, तो प्रकार का समीकरण है ये तो ये रेखीय समीकरण के प्रकार का समीकरण है, जो एक सीधी रेखा को क्या करता है, निरूपित करता है। तो लॉग अतः जो है लॉग टेन एक्स बाई एम तथा लॉग टेन पी के मध्य एक अगर सीधी रेखा प्राप्त होती है, अगर हम इसको ग्राफ खींचे इसके मध्य, तो इस रेखा की जो स्लोप होगी वन बाई एन के बराबर होगी, तथा अंतःखंड जो इंटरसेप्ट होगा वो लॉग टेन के क्या होगा, बराबर यहाँ पर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ग्राफ खींचा गया है, ये ग्राफ लॉग टेन पी और जो है लॉग टेन एक्स बाई एन के बीच जो है ये ग्राफ जो है खींचा गया है। अब यहाँ पर आप देखें ये वाला जो ग्राफ आपका है, यहाँ जो आप यहाँ से ग्राफ लिया गया, तो ये आपका थीटा है, और स्लोप क्या होगा आपका, टेन थीटा इक्वल टू वन बाई एन होगा, इसके मध्य ये जो है ग्राफ खींचा गया है। और ये आपका इंटरसेप्ट जहाँ पर एक कटान काटा हुआ है, ये इंटरसेप्ट यानी कि अंतःखंड लॉग टेन की होगा यहाँ पर। ठीक, तो ये एक्स बाई एम जो है यहाँ पर इस समीकरण से अगर आप मिलान करें इस समीकरण से, तो यहाँ पर आपका क्या है y, देखो y वाला जो अक्ष पर है आपके y अक्ष पर यहाँ क्या है x बाई एम, ये चीज है। तो y अक्ष पर ये क्या है log tan x बाई एम लिया गया है, और x अक्ष पर ये जो x अक्ष है ये y अक्ष है, x अक्ष पर क्या लिया गया mx, mx यानी कि x जो आपका क्या है, वो x जो आपका यहाँ पर है वो क्या है, ये log tan जो है p है, log tan p। और जहां पर ये आकर रेखा काटती है सीधी रेखा, ये आपका इंटरसेप्ट मिलता अंतःखंड, तो अंतःखंड जो है यहाँ पर जो आपका है ये इंटरसेप्ट जो आपका अंतःखंड है ये आपका log tan k जो आपका क्या है ये c आपका यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये आपका यहाँ पर है। और जो आपका स्लोप है यम क्या है आपका, ये यहाँ पर ये स्लोप है, तो स्लोप जो आपका यहाँ पर है ये चीज, यहाँ पर स्लोप दिखाया गया है, स्लोप टेन थीटा वन बाई एन। तो ये अधिशोषण समतापी रहा। अब इसकी हम आपको जो है सीमाएं बताते हैं, इस अधिशोषण समतापमापी की क्या है सीमाएं क्या है, ये आप इस तरीके से याद कर लेंगे, इसको तैयार कर लेंगे, बढ़िया से एक दो बार देखेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अब आइए हम देखते हैं अधिशोषण समतापी की जो है सीमाएं देखते हैं। देखिए फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की सीमाएं, पहली सीमा क्या है, यह एक आनुभविक समतापमापी है, यह एक आनुभविक समतापमापी है या समतापी है जिसकी कोई सैद्धांतिक पृष्ठभूमि नहीं है, यानी कि जो ये समीकरण दिया गया है, सिद्धांत दिया गया, इसकी कोई सैद्धांतिक पृष्ठभूमि नहीं है। दूसरा है इससे केवल कम दाब पर ही सीधी रेखा, जो आपको ग्राफ मिल रही है सीधी रेखा log tan x by m और log tan p के मध्य जो ग्राफ आपको मिल रही है एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ये केवल कम दाब पर ही यहाँ मिलती है, उच्च दाबों पर थोड़ी सी इसमें वक्रता देखने को मिलती है, अतः हम कह सकते हैं ये सार्वभौमिक जो है समीकरण नहीं है। तीसरा है k तथा n वास्तविक रूप से एक स्थिरांक नहीं है क्योंकि ये ताप पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट आपका है यह समतापी अधिशोषण प्रक्रिया की बल गतिकी की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है, तो ये इसकी क्या है सीमाएं हैं, और इन सीमाओं पर ये खरा जो है नहीं उतरता है यह सिद्धांत, इसलिए जो है ये एक जो है दिया गया है ये सिद्धांत एक जो है कोई सार्वभौमिक सत्य समीकरण नहीं है, तो ये इसकी सीमाएं रही। इसी तरीके से जो है इसी तरीके से विलयन से भी अधिशोषण होता है, और इसकी व्याख्या आगे देखिए किस तरीके से हम करते हैं। आइए देखते हैं विलयनों से अधिशोषण।
विलयनों से अधिशोषण क्या होता है? देखिए, ठोस अधिशोषक केवल गैस को ही अधिशोषित नहीं करते हैं, बल्कि वे विलयनों से विलय या विलायक का भी अधिशोषण कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप कोई विलयन बनाएं, जैसे एक एग्जांपल मैं लेकर आपको बताता हूँ, एसिटिक अम्ल का विलयन लीजिए, जल में एसिटिक अम्ल का विलयन लीजिए और उसमें आप चारकोल डाल दीजिए, उसमें आप चारकोल डालिए तो क्या होगा, जो एसिटिक अम्ल है, जो विलय है उसमें एसिटिक अम्ल, वो क्या होगा, उस चारकोल की सतह पर आकर अधिशोषित हो जाती है और उस एसिटिक अम्ल के विलयन का सांद्रण क्या हो जाता है, घट जाता है। तो कहने का मतलब ये है, केवल ठोस अधिशोषित गैस को ही अपनी सतह पर अधिशोषित नहीं करता है, अगर विलयन में भी देखा गया, विलयन बनाया जाए और उसमें ठोस अधिशोषक को डाला जाए उस विलयन में, तो उस ठोस अधिशोषक के द्वारा क्या होता है, विलय जो पदार्थ आपके होते हैं, जो विलय होते हैं वो उसकी सतह पर जाकर जमा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और विलयन का सांद्रण क्या हो जाता है, घट जाता है। यही चीजें यहाँ पर लिखी गई है। देखिए, ठोस अधिशोषक केवल गैसों की ही अधिशोषित नहीं करते हैं, बल्कि वे विलयनों से विलय या विलायक का भी अधिशोषण करते हैं। जब किसी ठोस अधिशोषक को विलयन में रखा जाता है तो वो विलय का उसकी सतह पर जमा हो जाते हैं, यानी कि एकत्रित हो जाते हैं, जिससे विलयन का सांद्रण कम हो जाता है। इसकी व्याख्या भी फ्रेंडलैक अधिशोषण समतापमापी से की जा सकती है। तो इसका भी हम उसी तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, जैसे अधिशोष फ्रेंडलैक का अधिशोषण समतापी का हमने व्याख्या किया, ठीक उसी प्रकार से की जा सकती है। अब वहां केवल साम्य दाब पर वहां पर था, लेकिन यहाँ साम्य सांद्रण के मध्य जो है ग्राफ होगा, ये जो सॉरी ये समीकरण जो होगा वो साम्य सांद्रण के मध्य होगा। तो यहाँ जो P लिया गया था, यहीं पर क्या हो जाएगा आपका C हो गया, P के स्थान पर क्या हो गया C हो गया। यहाँ पर C क्या है, सांद्रण है, जो विलयन में विलय है उसका क्या है, सांद्रण है C। तो ये आपका x बाई m परपोजनल C पावर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। परपोजनल चिन्ह हटा दीजिए तो x बाई m इसकल टू क्या होगा, k स्थिरांक आ गया आपका और C पावर 1/n, ये समीकरण आपको मिल जाएगा। यहाँ पर वही चीज यहाँ भी लगभग है, सभी चीजें x क्या है, अधिशोषित यानी अधिशोषित विलय का द्रव्यमान है x यहाँ पर, यम क्या है, ठोस अधिशोषक का द्रव्यमान है, सी क्या है, साम्य अवस्था में विलय का विलयन में सांद्रण है ये। अब इस समीकरण का अगर आप लघुगणक लेते हैं, लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग 10 एक्स बाई एम हो जाए इसकल टू, अब चूंकि सी के पावर यहाँ पर 1/n है तो आप इसको आगे चलाएगा ये वाला, चूंकि पावर है तो ये पावर वाला कहाँ आएगा, आगे की तरफ लॉग 10 पावर सी हो जाएगा और प्लस लॉग 10 पावर के हो जाएगा। ये समीकरण आपका मिल गया, इस समीकरण ये हो गया। तो ठीक वैसे ही जैसे हमने पीछे भी आपको समझाया, उसी तरीके से यह भी समीकरण यहाँ पर है। अब यहाँ पर भी अगर आप ग्राफ खींचना चाहते हैं तो आपको एकदम सेम वही ग्राफ मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ आप लॉग जो है 10x बाई m के बीच आपने ग्राफ खींचा और यहाँ पर आपका यहाँ दाब था, यहाँ लॉग 10 दाब के मध्य ग्राफ खींचा था, तो यहाँ सांद्रण c के मध्य आप जो है ग्राफ खींचेंगे तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो भी क्या होगा, यहाँ पर आपका एक यहाँ पर जो है सीधा जो है इस तरीके से सीधी रेखा का ग्राफ आपको मिलेगा और आपको स्लोप क्या मिलेगा, ये स्लोप आपका क्या होगा, यहाँ tan थीटा इसकल टू क्या होगा 1/n का ये स्लोप आपका होगा और ये आपका इंटरसेप्ट जो है, ये इंटरसेप्ट जो आपका होगा यहाँ log 10 जो है के इंटरसेप्ट यहाँ पर होगा। तो वही सी ठीक एकदम उसी तरीके से आपको ग्राफ मिल रहा है जैसे वहां पर आपको ग्राफ मिलता है, ठीक ओके। तो इस तरीके से ये आपका क्या टॉपिक रहा, विलयनों से अधिशोषण रहा। तो ठीक उसी तरीके से है जैसे हमने वहां पीछे पढ़ा वैसे यहाँ पर भी है। तो अब इस अधिशोषण से संबंधित केवल एक चीज और बच रहा है आपका, अधिशोषण के अनुप्रयोग बच रहा है। तो अधिशोषण के अनुप्रयोग को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।